नमस्कार, बिज़टेक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं वरुण अवस्थी। तो एक बड़ी खबर आ रही है यूएन से। यूएन पर भारत का फिलहाल 270 करोड़ रुपए बकाया है। इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की गई पीस कीपिंग फोर्स में अपने जवानों की सर्विसेज के बदले में ये पैसा भारत को मिलना है। फिलहाल ये पैसा अटक गया है। तो इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूएन को असल में पैसा मिलता कहां से। यूएन को पैसा दो तरह से मिलता है, एक होती है मैंडेटरी पेमेंट्स और दूसरी होती है वॉलंटरी पेमेंट्स। मैंडेटरी पेमेंट्स उसके 193 मेंबर्स को हर साल पे करनी पड़ती है। वॉलंटरी पेमेंट्स एनजीओस या सामाजिक संस्था या वो देश जो उसके मेंबर हैं उसको चंदे के रूप में दे सकते हैं। अब ये पैसा खर्च कहाँ होता है? तो यूएन के 50% स्पेंडिंग बजट का 50% ह्यूमैनिटेरियन वर्क और डेवलपमेंट वर्क पे खर्च होता है, जहां उन देशों पे जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाकी 20-22% खर्च होता है पीस कीपिंग पे। बहुत सारे ऐसे देश हैं आज भी जहां गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जाकर उस स्थिति को संभालती है। इसमें पीस कीपिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जिसमें अलग अलग देशों से मिलिट्री प्रोफेशनल्स को बुलाकर एक जॉइंट आर्मी बनाई जाती है और वो आर्मी यूएन के लिए काम करती है। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिशियल्स और भी बहुत सारे अलग अलग करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स होते हैं। यूएन को सबसे ज़्यादा पैसा यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज से मिलता है। हालांकि 2016 से पहले 3 साल तक एक फाउंडेशन, मिलिंडा फाउंडेशंस ने यूएन को हर साल 2000 करोड़ रुपए दान किए, तो यूएन की इनकम का ये भी एक अच्छा सोर्स है। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल खबर पे और दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र को शांति रक्षा अभियानों के लिए भारत को मार्च 2019 तक $3.8 करोड़ चुकाने हैं। ये किसी भी देश को भुगतान की जाने वाली सबसे अधिक राशि है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इसकी जानकारी देते हुए विश्व निकाय की खराब होती वित्तीय हालत पर चिंता जताई। विश्व निकाय की वित्तीय स्थिति में सुधार पर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2019 तक सैनिक और पुलिस के रूप में योगदान दे रहे देशों को भुगतान की जाने वाली कुल राशि $26.5 करोड़ है। इसमें से संयुक्त राष्ट्र को $3.8 करोड़ भारत को चुकाने हैं। इसके बाद रवांडा $3.1 करोड़, पाकिस्तान $2.8 करोड़, बांग्लादेश $2.5 करोड़ और नेपाल $2.3 करोड़ को बकाया चुकाना है। उन्होंने कहा कि सबसे खराब स्थिति में सैनिक और पुलिस का योगदान देने वाले देशों की बकाया राशि जून 2019 तक $58.8 करोड़ तक बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान की वित्तीय स्थिति, खास तौर से भुगतान न करना या उसमें देरी होना चिंता का विषय है। तो फिलहाल यूएन के पास पैसे की कमी है और इस कमी की वजह से उसने काफी सारे देशों की सर्विसेज के लिए प्रोवाइड की जाने वाली राशि को रोका हुआ है। अब ये राशि कब मिलेगी ये देखना अभी बाकी है, पर धीरे धीरे पीस कीपिंग फोर्स की जो राशि है वो बढ़ती जाएगी और जितनी ज़्यादा ये बढ़ेगी उतनी ज़्यादा यूएन के लिए रीपेमेंट करने में दिक्कत होगी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। बने रहिए बिज़टेक के साथ। मैं हूँ वरुण अवस्थी।